Good morning and welcome to StudyIQ. मैं हूँ प्रशांत मावानी. I hope you all are in good, my dear friends. आज 29th September है, दिन है Sunday. I'm sure you all are enjoying your Sunday. तो आज हमारे टेबल के ऊपर हैं दो स्पेशल टॉपिक्स. एक हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी 2.0 एंड देन वी हैव अ रिपोर्ट बाय मैकेंजी. और इस रिपोर्ट में यह है कि डेटा और गिग इकोनॉमी से भारत को क्या क्या फ़ायदा हुआ है. आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि हमारे पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज के माध्यम से हज़ारों स्टूडेंट्स ने अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक किया है. आप भी ये कर सकते हैं. विजिट studyiq.com टू फाइंड आउट मोर अबाउट आवर पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज. ये सारे के सारे जो हमारे पेन ड्राइव एंड टेबलेट कोर्सेज हैं, ये भारत की बेस्ट फैकल्टीज ने डिज़ाइन किया है. और क्वेश्चन क्वेरीज हैं अगर आपके मन में, देन यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर्स दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. आज के लेक्चर की पीडीएफ आपको मेरे एफबी पेज के ऊपर से मिल जाएगी. दिस इज माय एफबी पेज हियर. यू कैन फॉलो मी एज वेल. अगर आप मुझे फॉलो करेंगे देन व्हाट विल हैपन, एवरी टाइम जब लेक्चर की पीडीएफ एफबी के ऊपर शेयर की जाएगी, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन योर फेसबुक. एंड प्लीज मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें. तो सीएसआर का मतलब है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने एक बहुत ही स्मार्ट चीज की. गवर्नमेंट ने कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में साइंटिफिक रिसर्च को एलिजिबल बना दिया है. सबसे पहले तो मैं आपको एक ब्रीफ प्रोवाइड कर दूं कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ये है क्या. हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो जिनको इसके बारे में पता ना हो, जिन्होंने अभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की शुरुआत की हो. तो कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बेसिकली जो कंपनीज होती हैं जो मार्केट में से या फिर देश में से पैसे कमाती हैं, तो इट्स ऑल अबाउट गिविंग बैक टू सोसाइटी. ये एक सर्कल की तरह है कि एक सोसाइटी है, अगर सोसाइटी अच्छी तरीके से फल फूल रही है तभी वो चीज़ें खरीदेगी, प्रोडक्ट्स खरीदेगी, और ये सारे प्रोडक्ट्स जब बिकेंगे तो कंपनीज जो हैं उनको फ़ायदा होगा, और कंपनीज़ को फिर से ये फ़ायदा जो है उसमें से एक पोर्शन जो है, एक चंक जो है वो सोसाइटी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह पर पहुंच नहीं सकती. एंड वी ऑल नो दिस थिंग, राइट. और ये सिर्फ हमारे देश की बात नहीं है, आप स्वीडन में भी चले जाइए देन एज वेल यू विल फाइंड दिस थिंग कि हर जगह पर गवर्नमेंट हर कुछ आपके लिए नहीं कर सकती. थोड़ी बहुत चीज़ें जो हैं एज एन इंडिविजुअल, और यहाँ पर जब हम इंडिविजुअल की बात करें, आप अगर कंपनीज लॉ और ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड के जो एक व्यक्ति हैं एज ए ह्यूमन बींग इंडिविजुअल हैं, इसी प्रकार से फर्म्स को भी इंडिविजुअल के तौर पर देखा जाता है. जब हम देश की बात करते हैं तब तो इंडिविजुअल्स को भी एक स्टैंड लेना होगा या फिर स्टैंड लेना चाहिए. उनसे भी जो कुछ भी हो सकता है वो करने की कोशिश करनी चाहिए. तो इसी फिलोसोफी के ऊपर ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसका बेस जो है वो इसी के ऊपर है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एज आई टोल्ड यू कि साइंटिफिक रिसर्च को एलिजिबल बना दिया है, यानी कि अब साइंटिफिक रिसर्च में अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है इन द सेंस कि अपने प्रॉफिट का एक चंक जो है वो साइंटिफिक रिसर्च में अगर इन्वेस्ट करना चाहती है या फिर सीएसआर के तौर पर अगर इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहती हैं तो इट विल बी कंसिडर्ड एज सीएसआर. नीति आयोग का जो एक विजन रिपोर्ट है, विजन 2030 रिपोर्ट, तो इसमें एक कंपैरिजन हमें पढ़ने को मिलता है कि चाइना जो है वो हमसे आगे क्यों है. इट्स नॉट जस्ट वन रीज़न बट देर आर रिसर्च इज ऑलवेज एट द कोर. कुछ टाइम पहले की बात है, एज यूड बी अवेयर के 2007-2008 में रिसेशन हुआ था, ग्लोबल ये जो क्राइसिस हुई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, उस टाइम पर भी यूएसए ने एक चीज़ के ऊपर खर्च जो है अपना बंद नहीं किया. इनफैक्ट जब भी रिसर्च की बात आती है तो आई डोंट प्रिफर टू यूज़ वर्ड एक्सपेंडिचर, ये इट्स मोर अबाउट इन्वेस्टमेंट. अगर आप रिसर्च में पैसे लगाते हैं तो इट्स नॉट एक्सपेंडिचर. हाँ, बुक्स में एक्सपेंडिचर के तौर पर ही लिखा जाएगा टेक्निकली, लेकिन अगर एक अलग एंगल से देखें देन इट इज़ इन्वेस्टमेंट. तो यूएसए ने अपने प्रेसिडेंट के खर्च जो हैं वो भी कम कर दिए, राइट. लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हैं इसके खर्च या फिर इसके ऊपर जो इन्वेस्टमेंट था उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया. आप अगर बैठकर कभी सोचेंगे देन यू विल फाइंड जितने भी देश हैं आज दुनिया में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यू विल फाइंड के उनके प्रोडक्ट्स आपको हर जगह पर देख ले. लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ यूएसए. कोका कोला है, मैकडोनल्ड हैं, राइट. उनके इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स,
राइट, देर आर सो मेनी अदर थिंग्स एज वेल. कितनी सारी ऐसी चीज़ें हैं यूएसए की जो दुनिया के हर देशों में मिलती है. कुछ तीन देश शायद ऐसे हैं आज दुनिया में, एक तो ईरान है, एक नॉर्थ कोरिया है, एंड देर इज़ वन मोर कंट्री इन अफ्रीका. तो ये कुछ तीन देश को अगर आप निकाल दें, देन कोका कोला आपको हर जगह पर मिल जाएगी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट रिसर्च, राइट, कि कैसे जो मार्केटिंग का रिसर्च है, जो बिजनेस मैनेजमेंट का रिसर्च है, तो ये सारी चीज़ों के फ़ायदे उनको देख मीन्स मिल रहे हैं. एंड दे आर रूलिंग द वर्ल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस इकोनॉमी. अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से दुनिया के ऊपर रूल करता है यूएसए, नॉट जस्ट विद द हेल्प ऑफ वेपन्स. तो चाइना अपने जीडीपी का जो एक्सपेंडिचर है, उस जीडीपी का 2% जो है वो रिसर्च में लगाता है, और हर 10 लाख लोगों में से यू फाइंड 1,113 रिसर्च प्रोफेशनल्स इन चाइना. यही चीज़ को अगर हम हमारे देश के साथ कंपेयर करें, देन वी फाइंड कि हमारी जो एक तो जीडीपी है ना, वन मोर थिंग, चाइना की इकोनॉमी की साइज हमसे बहुत बड़ी है, इट्स समवेयर अराउंड 5 times. तो उनकी जो जीडीपी है उसका 2% इज़ अ बिग अमाउंट, और हमारी जीडीपी उनसे बहुत कम है. उनके मीन्स आंकड़े जो रेट हैं, दैट्स ऑफकोर्स 5, एंड फिलहाल तो 5 हैं, लेकिन 7 और ये सारा रेट होता है, वी फील हैप्पी एज वेल. लेकिन हमारी इकोनॉमी की साइज भी उनसे कम है, वी हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड एज वेल. तो 0.7% ही हम हमारी जीडीपी जो हैं उसका रिसर्च में इन्वेस्ट करते हैं, और हर 10 लाख में से सिर्फ 218 रिसर्च प्रोफेशनल्स हमें हमारे देश में देखने को मिलते हैं. यूएसए और चाइना में जो रिसर्च में खर्च किया जाता है, उस टोटल खर्च में से सिर्फ 30% गवर्नमेंट के द्वारा खर्च किया जाता है. हमारे देश में ये उल्टा है, सेंट्रल गवर्नमेंट 75% जितना जो रिसर्च है उसके लिए पैसे खर्च करते हैं. टोटल जो भी रिसर्च, मान लीजिए रिसर्च के लिए अगर 100 रुपये खर्च किए गए हैं, तो इसमें से 75 रुपीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी, बाकी के कुछ इंस्टीट्यूशंस या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड यू नो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस या CSR और ये सारी चीज़ें मिलकर होती हैं. सो दिस इज़ अ वेरी सैड सिनारियो ऑफ आवर कंट्री. आपको पता चल गया होगा कि वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड. लेटेस्ट चेंजेस जो CSR क्राइटेरिया में किए गए हैं, तो ये काफ़ी यू नो दे आर क्वाइट आई वुड से अब ये जो टाइम जो है तो अप टू डेट बनाया गया है इसको. एंड द लेटेस्ट चेंज इन CSR क्राइटेरिया ऑगस वेल एंड शुड स्पर द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू स्ट्रेंथन द ओवरऑल रिसर्च इकोसिस्टम. ये चेंजेस क्या है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे. और CSR जो है, CSR में अभी भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देश में अवेलेबल हैं. 2013 में हमने CSR के रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस किया हमारे देश में, एंड इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, पहला ऐसा देश था जिसने स्पेसिफिक स्पेंड्स के बारे में बात की कि आपका जो प्रॉफिट है उसका 2% आपको CSR में लगाना है. USA, ब्रिटेन, यूरोप, ये सारी जगहों पर CSR एक लंबे टाइम से चल रहा है, लेकिन वहाँ पर एक फिलोसॉफिकल अप्रोच लिया जाता है, डूइंग वेल बाय डूइंग गुड. वहाँ पर कंपनीज के ऊपर छोड़ा जाता है कि आपको क्या कितना करना है, और कैसे एज ए कॉरपोरेट सिटीजन आप देश में या फिर अब्रॉड में अगर कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, देन यू शुड ट्राई टू ब्रिंग इट. तो ये इस प्रकार का वहाँ पर एक थोड़ी छूट है, लेकिन हमारे यहाँ पर हमने कुछ रेगुलेशंस निकाले हैं, एंड इट इज़ रिक्वायर्ड एज वेल. वरना तो फिर कोई कंपनी जो है, छोटे बड़े दानपुन हर कोई करता है, लेकिन एक सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज़ हर साल होनी चाहिए वो चीज़ हमारे यहाँ पर नहीं हो रही थी. सो भारत पहला ऐसा देश था, अब भारत ने अपने रूल्स को भी अप टू डेट किया है, और टोटल जो हैं 2014 से लेकर 2018 तक 47,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं इन 4 सालों में कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर खर्च किए गए हैं. 47,000 करोड़ रुपीज़ इज़ नॉट ए स्मॉल अमाउंट एट ऑल. इसका मतलब ये है कि लगभग हर साल जो हैं 12,000 करोड़ रुपीज़ जो हैं ये सोशल प्रोजेक्ट्स में कॉरपोरेट कम्युनिटी ने खर्च किए हैं. दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल एज वेरी एनकरेजिंग थिंग दैट इज़ कमिंग फ्रॉम कॉरपोरेट कम्युनिटी. CSR की जो स्पेंडिंग है ये 125% ज़्यादा है कम्पेयर टू यू नो दिस सेंट्रल बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट्स बजट ऑन हायर एजुकेशन. 2019-20 में जो हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट स्पेंड करने वाली है उससे 125% ज़्यादा है. स्वच्छ भारत अभियान के लिए 12,600 करोड़ रुपीज़ का बजट है. तो एवरेज उसके साथ ही मिलती है ये कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की. तो यू कैन इमेजिन के ये कितनी बड़ी अमाउंट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं.
जो रीसेंट रिकमेंडेशंस हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आई विल एक्सप्लेन यू इन अ मिनट। तो एक हाई लेवल कमेटी जो है उसने बताया कि अब CSR का जो खर्च है उसको टैक्स डिडक्टिबिलिटी मिलनी चाहिए, यानी कि अगर आपने CSR में खर्च किया है तो आपको टैक्स में थोड़ी छूट मिलनी चाहिए। द कैरी फॉरवर्ड ऑफ अनस्पेंट बैलेंस ओवर 3 to 5 years, यानी कि अगर आपने लेट्स से 100 करोड़ रुपए हैं या फिर 1 करोड़ हैं, लेट्स से 1 करोड़ में से आपने 20 लाख ही आप खर्च कर पाए तो बाकी का जो 80 लाख रुपीज़ हैं तो ये 80 लाख रुपीज़ आप कैरी फॉरवर्ड करें। नेक्स्ट ईयर आपका जो 1 करोड़ है उसके ऊपर ये 80 लाख, तो 1 करोड़ 80 लाख हो जाएगा एंड देन यू विल गेट टैक्स डिडक्शन एज वेल ऑन इट, और इसी के साथ आप इसको CSR में खर्च भी कर पाएंगे। फिर जो लोकल एरिया प्रेफरेंसेस हैं उसको और नेशनल प्रायोरिटीज़ के बीच में एक बैलेंस बनाना। कई बार ऐसा होता है कि नेशनल प्रायोरिटी है कि एयर पोल्यूशन को क्लीन करना, राइट, एयर को हमारी क्लीन करना, एयर पोल्यूशन को कम करना, लेकिन लोकल लेवल पर आपके कुछ और इश्यूज हो सकते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस जो है वो CSR अचीव कर पाए तो इसकी भी थोड़ी छूट दी गई है। और जो कंपनी एक थ्रेशोल्ड से कम पैसे कमाती हैं तो उनको CSR कमेटी बनाने की आवश्यकता नहीं है। CSR स्पेंड करना है लेकिन जो कमेटी बनानी है और ये सारी चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी छूट हमारे यहाँ पर थोड़ी बहुत, ये नए रिकमेंडेशंस जो हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। लेकिन वी हैव टू डू वन मोर थिंग कि बड़ी बड़ी कंपनीज ही सिर्फ CSR पर खर्च करती हैं, तो साइज़ डज मैटर कि बड़ी कंपनीज ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं, उनके पास फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स भी होते हैं CSR प्रोजेक्ट्स के लिए। लेकिन क्रिसिल CSR ईयरबुक 2019 जो हैं इनके मुताबिक 1500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा एनुअल टर्नओवर बनाने वाली कंपनीज जो हैं वो CSR में कंट्रीब्यूट करती है और उनका कंट्रीब्यूशन लगभग 80% है। टोटल जो हम फॉर एग्जांपल 12,000 करोड़ रुपीस की बात कर रहे थे एवरेज इन चार पाँच सालों में, तो उसमें से 80% बड़ी कंपनीज के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब हमें यहाँ पर कौन से एक चेंज की आवश्यकता है, यहाँ पर चेंज की ये आवश्यकता है कि सिर्फ बड़ी कंपनीज नहीं, राइट, वे सारी कंपनीज जो प्रॉफिट बनाती हैं, राइट, तो ये सारी कंपनीज को हमें ऑन बोर्ड लाना होगा। अगर आपका रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग है, अगर आप प्रॉफिट बना रहे हैं तो आपको CSR में थोड़ा बहुत स्पेंड करना होगा। हाँ, परसेंटेज अगर शायद कम करना पड़े तो वी कैन डू इट, नॉर्मली 2% है, उससे ज़्यादा अगर आप खर्च करना चाहते हैं देन यू कैन डू इट, या फिर 1% या फिर 0.5%, इतना भी अगर हम छोटी कंपनी से भी कलेक्ट करें देन इट विल बी अ बिग थिंग। और नॉन चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, नॉन कॉरपोरेट एंटिटीज़ हैं, तो इनको भी हमें ऑन बोर्ड लाना होगा। और हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें, भारत के सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक पार्टनर बनाना होगा। हम चाहते हैं कि बाय 2025 एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा एक गोल है, और इस गोल को अचीव करने के लिए हमें सरकार की भी मदद करनी होगी। अगर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से हम एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें अगर जनरेट कर सकते हैं, कनेक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं, तो फिर जो हमारी स्पीड है डेवलपमेंट की ये और ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। So that's everything in this particular topic. Next one is about this benefits for India from data and gig economy. McKinsey Global Institute ka ek report hai, iska naam hai Digital India Technology to Transform a Connected Nation. Indians consumed 100 times more data in 2018 than they did 4 years ago. 4 saal pehle, yani ki 2014 ke time par jo hum data consume karte the, usse 100 times हमने ज़्यादा डेटा कंज्यूम किया है 2018 में। पर पर्सन का जो पर कैपिटा कंजम्पशन है डेटा का, दैट इज़ 8.3 GB पर मंथ, विच इज़ नॉट स्मॉल अमाउंट। और आजकल तो हर कोई जनरली स्पीकिंग 1 GB जो हैं, ख़ास करके यंगस्टर्स जो हैं उनके लिए 1 GB भी आजकल थोड़ा बहुत कम होने लगा है, तो मंथली प्राइसेस भी कम हो गई डेटा की। और डेटा इकोनॉमी जो है वो हमारे GDP में $150 बिलियन का कंट्रीब्यूशन कर सकती है बाई 2025, अगर इसके फुल पोटेंशियल को हम अचीव करें तो। लॉजिस्टिक्स में भी हम बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं, ऑटोमेशन से ये चीज़ हो सकती है, 15-20% कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगा। हमारी GDP का 14% तो हम लॉजिस्टिक में खर्च करते हैं। चाइना और दूसरी जो
इकोनॉमीज़ हैं उसमें इतना खर्च नहीं होता है और इसीलिए उनके प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी चीप हो जाते हैं। हमारे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जो है वो हर 100 रुपये की एक आइटम में 14 रुपीज़ ऑन एन एवरेज जो हैं या फिर 14% जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में चला जाता है, 14 से 15%। चाइना में और दूसरे देशों में ये कम है बिकॉज दे यूज़ वाटर वेज एंड सो मेनी अदर डिफरेंट वेज, और वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन रोड्स अच्छे हैं तो टाइम भी कम लगता है, फ्यूल भी बचता है, तो ये सारे उनको फ़ायदे मिलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ों से बड़े बड़े डिफरेंसेस होते हैं। द डेटा इकोनॉमी इज़ प्रोजेक्टेड टू रिजल्ट इन नेट एडिशन ऑफ 20 to 25 million जॉब्स, इतनी जॉब्स भी हमारे देश में क्रिएट हो सकते हैं। 20-25 million वी आर टॉकिंग अबाउट 2 करोड़ से लेकर 2.5 करोड़ जॉब्स जो हैं वो नेट एडिशन से हो सकता है ये डेटा इकोनॉमी के एक्सपांशन से। और भारत ने भी, भारत सरकार ने एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, ये जो जैम ट्रिनिटी है आपने इसके बारे में सुना होगा, जैम यानी कि जनधन आधार एंड मोबाइल, इन तीनों चीज़ों को जो हमने मिक्स करके ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र्स किए हैं, जो एलिमिनेशन हुआ है अननेसेसरी सब्सिडीज़ का, जो चोरी होती थी, लीकेजेस जो होते थे, ये सारी चीज़ें बंद हुई है, तो डिजिटल इनोवेशन से हमने काफ़ी एक हद तक एक डिफरेंस जनरेट किया है हमारी इकोनॉमी में। एंड ये और ज़्यादा एक नए लेवल पर हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट जो हैं उनको ये समझना होगा कि ये जो कंड्यूसिव रेगुलेटरी इकोसिस्टम यानी कि एक राइट मिक्स था, रूल्स एंड रेगुलेशंस का छूट दी गई थी, फ्रीडम भी था इससे के साथ साथ गवर्नमेंट की निगरानी थी, तो ये जो एक राइट एनवायरनमेंट है, राइट इकोसिस्टम है, उसकी वजह से हमारे देश में ये डिजिटल इनोवेशंस हुए हैं और इसकी वजह से हमारे देश में ये सारे फ़ायदे हमें देखने को मिले हैं। तो फ्यूचर में भी इसी चीज़ को गवर्नमेंट को मेंटेन करना होगा। आज धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी जो है उसमें एक गिग इकोनॉमी ऑपरेशंस हमें देखने को मिल रहा है। गिग इकोनॉमी का मतलब ये है कि पहले जो आज तक मेन जो एक यू कैन से कि मेन जो रूल्स था या फिर एक मेन जो मार्केट में जो चीज़ चलती थी वो ये थी कि आप एलिजिबल हैं तो आपको एक फुल टाइम जॉब मिलेगी, राइट, और यू कैन वर्क देयर एज लॉन्ग एज यू लाइक या फिर एज लॉन्ग एज थिंग्स आर गोइंग ओके। लेकिन अब गिग इकोनॉमी हो गई है। गिग इकोनॉमी में कोई बुरी बात नहीं है, गिग इकोनॉमी, गिग में ये होता है कोई फिक्स टर्म नहीं होती है आपकी, राइट, आपको 5 महीने के लिए रिक्रूट किया जाएगा, उसके बाद आप दूसरी कंपनी में जाइए 5 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, डिपेंड्स ऑन द वर्क एंड डिपेंड्स ऑन योर टैलेंट एंड स्किल। तो ये चीज़ हो रही है बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल इनोवेशंस। तो नए रूल्स, राइट, अप टू डेट रूल्स बनाने होंगे गवर्नमेंट को, राइट अमाउंट का कंट्रोल, राइट अमाउंट की छूट, ये सारी चीज़ें जो हैं एक राइट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट करना होगा और अपडेट करते रहना होगा, तभी हम इसके फ़ायदे जो हैं वो उठा पाएंगे। दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। अगर आपके भी कोई व्यू पॉइंट्स हैं CSR के ऊपर, डेटा के ऊपर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप शेयर करें इन द कमेंट सेक्शन। एंड आई होप कि आपको ये जो स्पेशल सेशंस होते हैं संडेज़ के, उससे आपको कुछ नई चीज़ें जानने को मिलती होगी। एंड एन्जॉय योर संडे, आई विल सी यू सून। जय हिंद।